हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, मेरे पीछे एक बस खड़ी हुई है, बस में कोई भाई एक बैठे हुए, तो मैंने सोचा चल के क्यों ना भाई से बात करें और देखें कि भाई ये जो बस है ये क्या काम की है। ये लोगों को शायद ले के आती है जो मॉल में काम करते हैं, ले जाके छोड़ती है। इसमें 10 से 12 सीटें होती है तो हमें पता है। तो चलिए भाई से बात करते हैं। अगर ये भाई बात करते हैं हमसे तो ये, अरे भाई इधर ही बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे है भाई? भाई 2-4-5 मिनट आपसे बात करेंगे, अंदर आ सकते हैं? तो चलिए, भाई ने कह दिया है। तो ये देखिए भाई, ये भाई की बस है ये। तो अब आ गए बस के अंदर और आगे ये देखिए। तो भाई इसको बंद कर दे। हाँ बंद कर दो आप, और नीचे से इधर से थोड़ा। भाई इस समय हम बस के अंदर बैठे हैं, तो भाई तो बताते हैं हम किस लिए वीडियो बनाते हैं। अगर भाई परमिशन देंगे तो वीडियो बनाएंगे। तो भाई हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं जी। तो ये आपकी मिनी बस है, तो वही मैंने सोचा क्यों ना आज चल के आपसे बात करें। कर सकते हैं, सही है ना? हाँ। तो भाई ये बताइए, पहले तो आप कहाँ से? मैं इंडिया से, राजस्थान से। इंडिया, राजस्थान से भाई, अपने राजस्थानी भाई हैं और वो भी इंडिया के हैं। और ये बस है, अभी मेरे को पता भी नहीं है बस किस काम की आती, लेकिन भाई से पूछते। भाई ये बताइए, आप इधर कंडक्टर हैं कि ड्राइवर है? क्या है? ड्राइवर है। ड्राइवर हैं आप जी? अच्छा, तो भाई ड्राइवर हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद। जावेद क्या? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, तो ये मोहम्मद जावेद भाई हैं जी। तो जावेद भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा, जो बिल्कुल सच्चाई हो वो जवाब दीजिएगा जी। जी जी। और पहले तो ये बताइए, जो बस है जावेद भाई जी, ये कई सीटर है ये? ये 15 सीटर। 15 सीटर भाइयों बस है ये, देखिए आप। अब मैं आपको पूरी बस दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे हैं। हाँ, पन, पीछे का सीट है ना, वो खोल कर रखा है। अच्छा, ये खोल देते हैं। और इसको मिनी वैन कहते हैं या मिनी बस कहते हैं ये हमको नहीं पता। तो भाई आप पहले बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको मिनी वैन कहते हैं, मिनी बस भी कहते हैं। अच्छा, वैन भी कहते हैं, मिनी बस भी कहते हैं और मिनी वैन भी कहते हैं। तो जावेद भाई ये बताओ, तो आप ड्राइवर हैं, तो ये गाड़ी में क्या काम होता है? मतलब इसमें स्टाफ, कंपनी का स्टाफ आता है, इंजीनियर, फोरमैन। अच्छा, यही सब आते हैं। तो ये तो आप मॉल के बाहर खड़े हुए हैं, तो मतलब यहाँ हमारा स्टाफ आया कोई अंदर सामान लेने के लिए। अच्छा, तो उनका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, ये आप कंपनी की गाड़ी है? जी कंपनी की गाड़ी है। किस चीज़ की कंपनी है भाई? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, तो भाई ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की है, ये वाली नहीं है कि जो यहाँ काम करते हैं मॉल में, ये वाली ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनकी कंपनी की गाड़ी है। तो इनके जो इंजीनियर हैं और जो भी लोग हैं, तो वो लोग आए तो मॉल के अंदर गए, तो भाई वेट कर रहे हैं, सही है ना? जी जी। तो भाई ये बताइए कितने लोगों को लेके आए हो? अभी तो 3 आदमी आए। अच्छा, तो एक आदमी या 3 आदमी 4 आदमी कितने भी होते हैं उनको आप लेके इधर उधर जाते हैं? हाँ, लेके। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया भाई आपको कतर में? मेरे को कतर में 15 साल हो गया। 15 साल हो गया कतर में? देख के तो नहीं लग रहा है। नहीं, 15 साल। अच्छा, तो 15 साल से आप क्या काम करते हैं? मैं पहले तो शुरू में 2007 में आया था मैं जी इधर कतर में। उस टाइम में तो मेसन का बीजा था मेरा। अच्छा, वही घर में जो, वो घर नहीं, वो घर जो बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं उसका जी। लेकिन उसके में 2-3 साल में काम किया, उसके बाद में लाइसेंस पकड़ लिया। अच्छा, जब से फिर गाड़ी चला रहा। अच्छा, जब से आप ये गाड़ी चला रहे हैं लाइसेंस पकड़ के। हाँ। अच्छा, तो अभी 15 साल में आप कई बार मुल्क गए? 15 साल में 5-6 बार तो गए। अच्छा, तो पहली बार जब आए, आप आए थे किसी कंपनी में आए थे कि इसी कंपनी में? इसी कंपनी में। अच्छा, इसी कंपनी में रुके हुए 15 साल से? तो भाई 15 साल से एक ही कंपनी में, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी होगी, ठीक? हाँ, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी। तो भाई, तो आप तो जब मशीन के, क्या बोलते हैं, मिस्त्री के काम में जो घर बनाते, बिल्डिंग बनाते, उसमें आए, तो आज तो आपका लाइसेंस का क्या, कैसे हो गया? नहीं, हमारा कंपनी में पहले क्या, इतना लाइसेंस बना के देती थी कंपनी। अच्छा, जिसको अगर ड्राइविंग करनी है वो कंपनी लाइसेंस बना। अच्छा, तो आपने गाड़ी चलाई थी क्या इंडिया में? नहीं, थोड़ा बहुत चलाया था, इतना नहीं चलाया। अच्छा, लेकिन चलाया था इधर आके फिर। तो भाई कंपनी ने जो आपको लाइसेंस दिलाया, यानी पूरा खर्चा उसी ने उठाया। तो अच्छा, आप ये बताइए पहले कई साल आपने मिस्त्री गिरी करी है? मैंने 4-5 साल। तो उस समय आपको कितनी सैलरी मिलती थी? उस समय 800 सैलरी थी। 800? खाना पीना 800 प्लस आवर टाइम था। हाँ, 2 घंटा। हाँ, खाना पीना उसी में था। उसी में था। हाँ, तो 800 पूरे आपके बच जाते थे? हाँ, पूरा बच जाते थे। 800 हजार बच जाते थे, आवर टाइम करके 1500-1600 तक आता था। तो आज मिनी बस चला रहे हैं, तो अब कितनी सैलरी आपकी आज के टाइम पे? आज जो सैलरी उठाई है तुमने, कितने रुपए महीने की सैलरी है? अभी मेरे एग्रीमेंट है 1800 का। 1800 रुपए का एग्रीमेंट है। उसके बाद में, अच्छा, उसके बाद में फिर ओवर टाइम अलग है। ओवर टाइम अलग है। तो 1800 रुपए का जो एग्रीमेंट है जी,
तो उसमें कई घंटे ड्यूटी रहती है? इसमें एग्रीमेंट में 8 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, 8 घंटे की ड्यूटी है यहाँ पे भी आपको वही मिल रही है ना, 8 घंटे की। उसके बाद आपको अगर ओवर टाइम मिलेगा तो उसके पैसे मिलेंगे, उसके अलग से पैसे मिलेंगे। अच्छा, तो हफ्ते में क्या छुट्टी उट्टी भी रहती है भाई? हाँ, फ्राइडे की छुट्टी रहती है। फ्राइडे की छुट्टी, और अगर उसमें काम रहेगा तो उसका पैसा मिलेगा, अलग से पैसा मिलेगा। और वो आपकी मर्जी है, काम करो या ना करो। हाँ, उसको वो मेरा मर्जी है, काम पे आएगा नहीं आएगा वो मेरा मर्जी। अच्छा, तो भाई ये बताओ, 1800 सैलरी हो गई और आपका ओवर टाइम हो गया, खाना पीना कंपनी है कि आपका है? नहीं, मेरा है खाना पीना। अच्छा, रूम? रूम कंपनी का है। अच्छा, रूम कंपनी का। और ये गाड़ी? गाड़ी कंपनी की। पूरा खर्चा गाड़ी कंपनी, पूरा खर्चा। और आपको भी अगर कहीं जाना है तो बस आप ही के पास रहती है? हाँ, मेरे पास में रहती है 24 घंटे कहीं भी आओ जाओ, कहीं भी आओ। तो पेट्रोल वेट्रोल जलाते हो, बिल देते हो, दे देते हो, पैसा मिल जाता होगा? वो सब कंपनी भरता है, पेट्रोल वेट्रोल सब कंपनी का है। बिल ले लेते पेट्रोल पंप से, कंपनी में दे देते। अच्छा, कंपनी में। भाई आप ये बताइए, आप जब कतर पहली बार आए तो आपका आना कैसे हुआ था? किसी दोस्त ने बताया, किसी एजेंट से, कैसे आपके दिमाग में आया कि बाहर चलना चाहिए, कि आपके गांव के बहुत से लोग यहां रहते थे? नहीं, मेरे गांव के मेरे से पहले थोड़ा बंदा आ गए थे। अच्छा। तो जो कंपनी में हम रहते थे जी, वो जो कंपनी में आया उसी कंपनी में वो लोग पहले आ गए थे। अच्छा, तो एजेंट से बात करके फिर हम लोग, आप भी आ गए? हम लोग जिस एजेंट से वो लोग आए थे उन्होंने बताया होगा कि ऐसे कर लो। हाँ, तो भाई ये बताओ, तो पहली बार जब आए थे आपका कितना पैसा खर्चा हुआ था? मेरा खर्चा हुआ था 80,000। 80,000 टोटल? हाँ, टोटल। और उस समय 800 सैलरी पे आप आए थे? 800 सैलरी में आया था उस टाइम। अच्छा, तो भाई आप कुछ कहना चाहते हैं जो नए लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, आने से पहले क्या माइंड सेट करें और क्या यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए आप। नए लोगों के लिए यही मैसेज है, जो भी भाई आए आराम से आए, एजेंट से बात करें पहले, कौन सा कंपनी है, कैसा है, उधर बातचीत करके कंपनी के बारे में फिर आए। क्यों, यहाँ भी बहुत फ्रॉड कंपनी ऐसा रहता है जो छोटा छोटा काम पकड़ता, वो लोग सप्लाई में आदमी देता जी। सबसे बेस्ट तो ये, अच्छा कंपनी देख के पूरा तहकीकात करके आए। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा ये अच्छा कंपनी है खराब कंपनी है? कोई अगर गांव वाला है उसका, उधर का है, तो उससे जान पहचान कर ले पहले। अच्छा, चलिए। तो भाई ये बताइए, 15 साल हो गए, 15 साल में कोई ऐसी अपने दिल एक बात बताइए जो आपको कतर में आने के बाद कभी ऐसा हालात हुआ हो कि यार बहुत मुश्किल हालात, और सबसे अच्छे हालात के बारे में बताइए आप। नहीं, जैसे पहले मेसना का काम करते थे ना जी, तो उसके बाद में फिर 4-5 साल वो काम किया। एक तो इधर धूप ज़्यादा है जी, अभी तो कुछ भी नहीं है जी, इसके बाद में जो आने वाली धूप है ये गर्मी, इसमें इसके बाद में जब उस टाइम काम करता था तो उस टाइम तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से ड्राइवरी पकड़ा तब से तो अच्छा। ठीीक है। तो भाई, तो आप कई साल में मुलुक जाते हैं? मैं 2 साल में जाता हूँ। 2 साल में तो कंपनी टिकट देती है सब कुछ? कंपनी टिकट देती है, रिटर्न। अच्छा, बोनस भी मिलता है? बोनस वोनस सब मिलता है। अच्छा, तो भाई टिकट बोनस सब मिलता है आपको जी। तो आपका मेडिकल हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस सब कंपनी का? सब कंपनी का। अच्छा, तो भाई की सैलरी 1800 है और प्लस ओवर टाइम है, तो भाई से पूछते हैं, भाई ये बताइए कि आप महीने में आप कितना बचा लेते हैं? महीने में खा पी के, इधर का या इंडिया का? इधर का। इधर का बच जाता है 2200 बचा लेते हैं, खा पी के ओवर टाइम मिला के, हैं? खा पी के 2200। तो माशाल्लाह सही बच जाता है अभी, तो कौन है। तो भाई इंडिया कितना भेजते हैं हर महीने? इंडिया का जैसे हर महीने नहीं भेजता मैं तो, 2 महीने में 3 महीने कितना, यानी 1-1.5 लाख हो जाता तब भेजता है। महीने में कितना? महीने में कभी 45,000 भी हो जाता है, कभी 40 भी, कभी 50 भी हो जाता है, ओवर टाइम के ऊपर, जैसे ओवर टाइम चलेगा। अच्छा, तो महल वहाँ पे गांव में रहते हैं कि सिटी में आप? नहीं, गांव में रहता हूँ। तो गांव में जमीन अमीन कुछ खरीदा? यहाँ आने के बाद क्या तब्दीली हुई आपके वहाँ पे यहाँ आने? और ये बताओ, जब यहाँ से जाते हो तो लोग, पहले जब नए नए आए होगे तो इतना इज्जत लोग नहीं करते, लेकिन जब यहाँ से पहली बार गए होगे तो आदमी बड़ी इज्जत करके, जो आदमी भाई भी नहीं बोलता था, जो बोलता था ये बेकार आदमी है गांव का, तो वो भी भाई और बड़ी अदब से बोलता हुआ, इसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। नहीं भाई, इधर आने के बाद में एक तो मैं जमीन अमीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उधर है, हमारा खुद का। अच्छा, दूसरा किसान आदमी है। किसान है आप? नहीं, यहाँ के पैसों से आपने कुछ बनाया? यहाँ के पैसे से एक मकान बनाया और एक भाई का शादी किया। अच्छा, आपने किया? अच्छा, और ये बताओ, जो हमने बताया जब यहाँ से पहली बार जब बाहर आके गए हो, तो गांव में कैसा रिस्पांस मिला आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला। कैसा लोग के पहले लोग क्या बोलते होंगे? इज्जत भी करते यहाँ से जाने के बाद? इज्जत बहुत मिलती है, इज्जत मिलती है। लेकिन भाई एक चीज आपको सच्चाई बता रहे, ये भाई यहाँ पे तो ये मेहनत करते होंगे, अगर इनको 8 घंटे ड्यूटी है इनकी,
और इनको अगर 2 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम मिलता होगा तो ओवर टाइम जरूर करते होंगे, फिर ही बैठते नहीं होंगे। सही बात है ना, टाइम करते इधर आए तो कुछ मकसद है ना उसका कमाने का, तो उसी हिसाब से मिलता है तो करते, नहीं मिलता था अभी क्या थोड़ा डाउन है काम अभी। अच्छा। कतर में ये वर्ल्ड कप के बाद में से थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन सैलरी तो आपको मिल रही है। हां, सैलरी टाइम टू टाइम अभी काम यानी हल्का हो गया, ओवर टाइम कम हो गया, लेकिन सुकून है। हां, सुकून है। अच्छा, 8 घंटे बराबर है, 2 घंटा ओवर टाइम मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है। अच्छा, 8 घंटे का 1800 सैलरी है, वो मिलना है। वो मिलना। अच्छा भाई ये बताओ कई बजे से काम स्टार्ट होता है? हमारा सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट होता है, 5 बजे तक। 5 बजे तक, उसमें बीच में 1 घंटा लंच भी है। अच्छा, तो अगर ड्यूटी वाला काम कई बजे तक रहता है, उसके बाद ओवर टाइम? 3 बजे तक ड्यूटी वाला काम रहता है। 3 बजे तक ड्यूटी वाला काम है जिसमें 1 घंटा आपको रेस्ट मिलता, रेस्ट है। मिलता है। और इसमें तो बस आदमी को ले आके छोड़ देते होंगे, फिर आ जाते होंगे, बैठ जाते होंगे, फिर आ जाते हैं। और जैसे कोई ऑफिस का काम आता पेपर वर्क का तो वो करते, नहीं तो और कोई काम नहीं। अच्छा, तो चलिए भाई बहुत अच्छा लगा बात करके। तो बस आपसे एक बात ये बोलना चाहते हैं, आप कतर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जो कतर ने आपको इतना कुछ दिया कोई अपनी? कतर के बारे में यही कहता हूँ, कतर में बहुत अच्छा कंट्री है कतर, जब से आया बहुत मतलब लेबर के लिए ये वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा है कतर जी। हाँ, हमने तो जो भी देखा यहाँ का जो शेख है वो भी बहुत अच्छा आदमी वर्कर अच्छा। के लिए बेस्ट। तो भाइयों मैंने भाई से बात करी और बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। तो भाई आप अपने उसमें बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो सब भाई इसको चल करें। हाँ भाई ने अब बोल दिया, दोस्तों जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और सच बात है कि मैं भाई को जानता नहीं था, भाई को बैठे हुए देखा था तो मैंने आके ऐसी बात करी। सही बात है ना? सही। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ जेन्युइन बनाता हूँ भाइयों, इसमें कोई मिक्स नहीं होती है। हमने जो भी क्वेश्चन आंसर इनसे करे हैं भाई से वो डायरेक्ट करें जी, कोई वो नहीं था। तो मैं भाई को बिल्कुल भी नहीं जानता था, ये इसलिए बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे ऐसे वीडियो बना ली, तो बस लोगों से पूछ लेते हैं जो बनाना चाहते हैं बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकॉन जो बटन टर्न से बोल रहा है उसको दबा के ऑल पे लगा दें, और वीडियो को लाइक जरूर करा करें जिससे हमको पता चले कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। और अगर वीडियो अच्छी भी ना लग रही हो तो कमेंट में आप बताएं कि आपकी वीडियो में ये कमी है तो हम उसको सुधारेंगे। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू। तो भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने बात बताई सीधे, ठीक है जी, जी। तो अपना ख्याल रखिए, गाड़ी आराम से चलाइए और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके भाई, थैंक यू।